दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताश प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉनस्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो
तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वहीं उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो
इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेथिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी
नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो नागाशौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वहीं उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई।
तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा विंध्या विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा विंध्या विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े
रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है।
फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया
वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताश प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है।
तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णाचारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉनस्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरद कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागाशौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है।
यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में।
तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा विंध्या विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा विंध्या विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है।
अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताश प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है
और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूँ, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए।
मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागाशौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर,
राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरद कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।
दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो
तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो,
इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेथिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी
नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीश कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो नागाशौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई।
तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा विंध्या विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा विंध्या विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉनस्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरद कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े
रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की, तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है।
फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागा शौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया
वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागा शौर्य ने कृष्णाचार्य का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेथिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागा शौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागा शौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागा शौर्य, सरली सेठिया, अमिताभ प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है। यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों, ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है।
तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है वह उसके प्यार में पड़ जाता है, लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉन स्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरत कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको हिंदी एंड ऑफिशियल डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों अगर आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नागाशौर्य सर की मच अवेटेड मूवी कृष्णा वृंदा विहारी के बारे में। तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 23 सितंबर 2022 को रिलीज हुई तेलुगु भाषा की रोमांटिक ड्रामा मूवी कृष्णा वृंदा विहारी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अनीस कृष्णा ने। बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो नागाशौर्य, सरली सेठिया, अमिताश प्रधान, वेनिला किशोर, राहुल रामाकृष्णन, ब्रह्मा जी, इमाम हुसैन साजू आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी साई श्रीराम की ओर से की गई है।
यह मूवी को IMDB पर 10 में से 7.8 की शानदार रेटिंग मिली हुई है। अगर दोस्तों आप कृष्णा वृंदा विहारी मूवी को देखना चाहते हो तेलुगु लैंग्वेज में, तो यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दोस्तों ऑडियंस की तरफ से और क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को अच्छे रिव्यूज मिले हैं और यह मूवी आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, यह मूवी के बारे में बात करें तो यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। और दोस्तों यह मूवी हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ भी अवेलेबल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को देख सकते हैं। कहानी की बात करें तो कृष्णा चारी नागाशौर्य एक प्रतिबंधित और सख्त ब्राह्मण परिवार से है, जिसे हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर की नौकरी मिलती है। जिस पल वह वृंदा सरली सेठिया को अपने ऑफिस में देखता है, वह उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वह काफ़ी ज़िद्दी है और एक बात की वजह से उसके प्यार को स्वीकार नहीं करती है। कृष्णा अंत में अपने प्यार को जीत लेते हैं, लेकिन वह काफ़ी उलझन में है कि अपने रूढ़िवादी परिवार को कैसे मनाएगा। थोड़ी देर बाद वह किसी तरह चाल चलकर उन्हें मनाने में कामयाब हो जाता है और वृंदा से शादी कर लेता है। इससे वह बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। यह परेशानी क्या है, कृष्णा ने इसे प्रबंधित किया, वही उस मूवी की कहानी बनाता है। नागाशौर्य ने कृष्णाचारी का किरदार पूरी तरह से निभाया। उनकी कॉमिक टाइमिंग हो, इमोशनल सीन हो या रोमांस में एक्टिंग, उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। उनके द्वारा दिखाई गई ऊर्जा बहुत अच्छी है। सरली सेठिया तेलुगु में बहुत अच्छी शुरुआत करती है और आसानी से अभिनय करती है। शौर्य के साथ उनका प्रेम ट्रैक देखने लायक है। अभिनेत्री ने खुद अपनी भूमिका के लिए डब किया और इसे काफ़ी अच्छा किया है। इस फिल्म में दोनों पड़ाव कुछ नॉनस्टॉप मनोरंजन से भरे हुए हैं। कॉमेडी और वन लाइनर्स की भारी खुराक बड़े समय तक काम करती है और हमें स्क्रीन से बांधे रखती है, हमें बोर नहीं करती है। नागाशौर्य की मां के रूप में राधिका शरद कुमार अपनी दी गई भूमिका में परिपूर्ण है। फिल्म में जहां ढेर सारे फनी सीक्वेंस है, वहीं एक तरह से नुकसान भी बन जाता है। दोस्तों अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, तो यह मूवी आपको हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस मूवी को हिंदी अनऑफिशियली डबिंग के साथ देख सकते हैं। यह मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह मूवी की कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जैसे ही दोस्तों इस मूवी के बारे में और भी कोई बड़ी अपडेट या बड़ी खबर सामने निकल कर आती है, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको बता दूं, इस मूवी की कहानी काफ़ी दमदार है, तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा।